यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आगामी 10 दिन में वाड्रा लैंड डील से जुड़ी ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 महीने का समय दिया है और आने वाले 8 से 10 दिन में ये समय अवधि पूरी हो जाएगी। जल्द ही हाईकोर्ट भी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के निर्देश जारी कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी ने कर्नाटक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को रिपोर्ट के माध्यम से बैकफुट पर लाना चाहती है। तो वाड्रा लैंड डील मामले को लेकर जल्द ही ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। बीते दिन ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक समारोह के दौरान बयान दिया था और कहा था कि जल्द ही इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। वाड्रा लैंड डील मामले को लेकर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात अब कही जा रही है सरकार की ओर से। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कर्नाटक में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसी को देखते हुए अब वाड्रा लैंड डील के माध्यम से, ढींगरा आयोग के माध्यम से सरकार कांग्रेस को, बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है और इसी की वजह से अब ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें ढींगरा आयोग का गठन किया गया था प्रदेश सरकार की ओर से वाड्रा लैंड डील मामले की जाँच के लिए और जिसके बाद में हालांकि ये रिपोर्ट तो सौंपी गई लेकिन उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है। बीते दिन ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। तो ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। और हमारे साथ इसी बीच फोन लाइन पर केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका केवल ढींगरा जी, खबरें अभी तक पर। हाँ जी, थैंक यू अंतिका। केवल हीरा जी, अब सरकार की ओर से तैयारी है कि ढींगरा आयोग की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, कितनी तैयार है कांग्रेस इसके लिए? देखिए, पहले ही ये रिपोर्ट ऑलरेडी लीक भी थी तो सब लोगों को तो मालूम है और मीडिया को भी मालूम है, ऑलरेडी लीक कर दी गई थी इन्हीं के द्वारा, मतलब किसने किया है तो पता नहीं जी। लेकिन ऑलरेडी लीक है रिपोर्ट तो। अब वो उसके ऊपर कोर्ट का इशू था, अब पता नहीं वो जारी करेंगे क्या करेंगे, तो इन्हीं का सरकार का काम है तो करें जारी जो करना चाहते, इसमें क्या है। हमारे साथ संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजय शर्मा जी, खबरें अभी तक पर। संजय शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, गलती का मिल रही है जी। संजय शर्मा जी, अभी मुख्यमंत्री की ओर से बीते दिन ही कहा गया कि ढींगरा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक किया जाएगा सरकार की ओर से, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने की कोशिश ये बीजेपी की है जिसकी वजह से अब रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। देखिए, हमने जो ढींगरा आयोग बनाया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, वो उस समय की जो अनियमितताएं थी उसके बारे में था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन बाद में कांग्रेस के लोग, हेलो जी, कांग्रेस के लोग हाईकोर्ट में चले गए जी। कपिल सिब्बल जी उनके लिए पैरवी करने के लिए आ गए हुड्डा जी के लिए, और सुप्रीम हाईकोर्ट ने ये स्टे लगाया था कि जब तक हम ना कहें तब तक इसको आपने सार्वजनिक नहीं करना जी। अब उन्होंने शायद जून का कोई दिन दिया हुआ है, उस तारीख तक इसको सार्वजनिक करना ये तय किया है। उसी आधार पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब आदरणीय हाईकोर्ट ने जो डेट तय कर दी है उसके हिसाब से हम इसको सार्वजनिक करेंगे जी। इसमें सरकार का अपना कुछ नहीं है। केवल डिंगरा जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो पहले लीक हो चुकी है, अब क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? केवल ढींगरा जी क्या कह रहे हैं, वो तो केवल मात्र हुड्डा साहब की वकालत के नाते ये बात कह रहे हैं, वो हुड्डा साहब के वकील के नाते ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के सामने आएगी। बीजेपी ने क्या कहना है, जो इस आदमी ने गुनाह किया है कानून उसको उसके हिसाब से सजा देगा। अगर हुड्डा साहब पाक साफ है तो उस पाक साफ होंगे। सरकार ने तो जो तथ्य उपलब्ध थे, जो चीजें उपलब्ध थी, वो ढींगरा आयोग को भी उपलब्ध करा दी और ढींगरा जी ने और लोगों से भी जो तथ्य इकट्ठे किए हैं वो सारे इकट्ठे करके सरकार को दे दिए। अब उसमें क्या लीकेज है क्या क्या नहीं है ये उनका कहना है, लेकिन हमने तो सारी रिपोर्ट जैसा माननीय हाईकोर्ट ने कहा था वहां पर जमा करा दी है जी। और हाईकोर्ट स्वयं उसको कह रहे हैं कि अब इसको सार्वजनिक करना है। इसके अलावा हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी भी फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका प्रवीण अत्रे जी, खबरें अभी तक पर। प्रवीण अत्री जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ जी हाँ मिल रही है मुझे आवाज़ जी। प्रवीण अत्रे जी, मुख्यमंत्री की ओर से बीते दिन ही कहा गया कि ढींगरा आयोग की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक अब सरकार की ओर से किया जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो कुछ देखने को मिला उसके चलते कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है। केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि पहले लीक हो चुकी रिपोर्ट, अब क्या साबित करना चाहती है बीजेपी से? देखिए ऐसा है, ढींगरा कमीशन ने जांच की थी 2016 में, रिपोर्ट आ गई थी लगभग 2 साल पहले जी। सरकार की कोशिश तो ये थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो और सरकार ने पूरा मौका दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कोर्ट में जाने का, वरना तो सरकार को चाहिए ये था कि जैसी रिपोर्ट आई थी उसको सार्वजनिक करती, पब्लिक डोमेन में लेके आती, जनता को पता लगता कहाँ कहाँ अनियमितताएं हुई हैं और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने प्रदेश के संसाधनों को लूटा है जी। अब कोर्ट की डायरेक्शन के बाद सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ेगी, ये सर्वविदित था। सरकार तो केवल उंगली कटवा के शहीद होने का काम करने की, आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? एब्सोल्युटली, वरना सार्वजनिक कर देना चाहिए था, क्या जरूरत थी रिपोर्ट को अपने पास रखने की, क्या जरूरत थी मौका देने की कोर्ट में? देखिए मैं सब जुडिस मैटर पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं ये सिर्फ इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो ऑलरेडी रिपोर्ट थी वो तो पार्टी ने लीक करवा दी और वो तो सार्वजनिक है और सीबीआई की जांच ऑलरेडी खोल रखी है, तो फिर ये और क्या चाहते जी। इन्हें लोग बार बार कहती रही है कि बीजेपी की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए कोई किसी के लिए कोई कोशिश नहीं करता, सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने रिपोर्ट की बात है, मैंने आपको बताया कि वो रिपोर्ट ऑलरेडी लीक किसने की, ये एक जांच का विषय, इसके ऊपर भी इनको एक जांच आयोग बनाना चाहिए कि वो रिपोर्ट लीक कैसे हुई, अदरवाइज ये सार्वजनिक कर देते। इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, अभी वो सब जुडिस मैटर है, तो वो जो मर्जी करे, जब जब कोर्ट का फैसला आएगा वो जो, हम तो हर जांच को हर चीज के लिए पहले ही तैयार है और इन्होंने जो सीबीआई जांच खोली है हमारा उसमें भी पक्ष तैयार है, तो हम सारी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। संजय शर्मा जी, क्या जिस तरह से प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि बीजेपी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? अगर सरकार किसी को बचाने की कोशिश करती तो उसके खिलाफ आयोग ही क्यों बनाती, तो उसी में सरकार आयोग ही ना बनाती जी। देखिए ये इनेलो के लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां हर मुद्दे पे सोकने से नहीं, आयोग का गठन किया गया संजय शर्मा जी, लेकिन जब 2014 से पहले जब केंद्र के चुनाव थे उससे पहले भी जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तब भी बड़े जोर शोर से कहा गया था कि हम जो सत्ता में आएंगे उसके बाद में इन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम सबसे पहले किया जाएगा, आपकी सत्ता खत्म ही होने वाली है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन एक्शन कोई अब तक नहीं लिया गया। देखिए अवंतिका, जब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा छाती ठोक ठोक के कहते थे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आज भी कहते हैं सरकार कोई भी, हाँ मैं आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, हाँ हाँ ढींगरा जी मैं आपकी बात को ही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को ही कह रहा हूँ, तो जब इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो जांच हो लेने दीजिए, जांच हो गई तो उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, क्यों क्यों अभी से इस तरह की चर्चा कर रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है, आपने कहा हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से, के लिए जो है हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था कि सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हाँ तो माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हम तो सार्वजनिक करने के लिए तैयार थे। देखिए आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, मुख्यमंत्री ये तो है ही नहीं कि उसको अगले दिन सौंप देंगे और उसको अगले दिन सार्वजनिक कर देंगे, तो इस दौरान ये कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने स्टे लगा दिया, अब कोर्ट की स्टे हटेगी तो हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। बाकी ढींगरा जी जो लीकेज की बात कर रहे हैं, देखिए लीकेज क्या है, हकीकत क्या है, वो सारा लोगों के सामने आ जाएगा, उसमें क्या ये बातें कहने की है, जो भी अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया तो वो उससे पाक साफ बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया है तो उन कानून जो अपनी कार्रवाई है वो करेगा। ढींगरा जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कांग्रेस को, क्योंकि इस तरह की बातें जो है राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो आपको भी नहीं लगता है, कांग्रेस को तो नहीं लगता है कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसको दबाने के लिए अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? देखिए ये हर एक किसी की कोशिश होगी, किसी भी दल की, वो अपनी कोशिश करे, लेकिन हमने जब कोई गलत काम किया नहीं तो हम न्यायालय पे हमें विश्वास है और हम न्यायालय पे जो है अपना पक्ष रखेंगे और पाक साफ होके निकलेंगे। आप कहते हैं कि आपने आप जो है पूरी तरह से बेकसूर होकर निकलेंगे, ये जो भी ढींगरा आयोग का गठन हुआ जिस तरह के भी आरोप लगे इसे, जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं और हम सार्वजनिक तौर पे हर मंच पे ये बात कहते हैं कि हमने जो काम किया है बिल्कुल अनुशासन के और रूल के अकॉर्डिंगली किया है जी। जब हमने काम सभी रूल के अकॉर्डिंगली किए हैं, सरकार बनती है तो काम करने होते हैं पब्लिक के,
और हमने जितने भी पब्लिक के काम किए हैं वो उस रूल के अकॉर्डिंगली किए हैं, और जो भी हमारा काम है हम उसके लिए कोई भी जांच के लिए हम हमेशा नियमों के खिलाफ जाकर आपने कुछ नहीं किया है कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन सीबीआई जो जाँच कर रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सीबीआई जांच तो चार जांचों में जांच कर रही है, तो किसी भी मामले में हमें दिक्कत नहीं है। हम चार क्या ये 40 खोल रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चार्जशीट तो दायर की गई है ना उसमें। अगर आप कहते हैं किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई भी नियमों के खिलाफ जाकर हमने काम नहीं किया। अवंतिका जी, ये सरकार जो है ये बदला बदली की सरकार है, इन्होंने देख लीजिए हर महीने में बदली करती है लोगों की और जितने अफसर लगे हुए हैं, और ये बदला लेने की सरकार है। जितने चार जांच इन्होंने खोली है, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया होती है वो उससे ऊपर होती है। अभी जो कर्नाटक में फैसला हुआ आप उसको देख लें कि जिस तरह से कर्नाटक में 3 जजेस ने जो फैसला दिया उसके लिए आज येदियुरप्पा जी को 55 घंटे के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। तो ये आप देख ले मोदी जी और जो अमित शाह जी का रोल था वो कहाँ गया, और जिस तरह से गवर्नर के तरफ से उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा, इन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया। तो आप देखिए संजय शर्मा जी, बदला लेने वाली सरकार है ये? देखिए सरकार कभी आज तक ना किसी के साथ बदले के आधार पर कार्रवाई किया ना करेगी। हम ये कह रहे हैं कि खुद हुड्डा साहब ने ये कहा था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जैसा उन्होंने कहा था उसी आधार पर सरकार उसकी जांच कर रही। सरकार चाहती अगर बदले की भावना से कार्रवाई करनी होती तो सरकार पहले दिन उठा करके हुड्डा साहब को अंदर डाल देती, एफआईआर करते ही अंदर डाल देती। लेकिन सरकार उनको अपना सारा पक्ष रखने का मौका दे रही है। आदरणीय हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि जो किसी ने कोई गुनाह किया होगा तो उसके आधार पर उसका काम होगा। अब ये सबसे मैटर है और क्या कुछ कार्रवाई जो है आगे आने वाले समय में होती है। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, केवल ढिंगरा जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में, और साथ ही प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो हालांकि अभी बात कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से, कहा गया है कि ढिंगरा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन देखना होगा जब रिपोर्ट सार्वजनिक भी होगी तो उसके बाद में किस तरह से सियासी घटनाक्रम जो है वो बदलते हैं, और साथ ही क्या कुछ कार्रवाई जो है उसके बाद में होती है।